सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कि उर्वरक खरीदते समय ध्यान रखें कि वो असली है या नकली है। तो लगभग अभी जुलाई का महीना चल रहा है और बीजान लगभग कंप्लीट हो चुका है, बुआई हो चुकी है और कुछ बुआई बाकी है, लेकिन हमें आज के टाइम में जो खाद बीज और उर्वरक में जो षड्यंत्र चल रहा है, यानी किसान भाई ठगी का शिकार हो रहे हैं, उससे बचने के लिए हमें कैसे पहचाने कि वो चीज़ असली है या फिर नकली है। तो हम आपको अभी बताएंगे कि हम फर्टिलाइज़र खरीदते समय ध्यान रखें कि कैसे वह असली है और नकली है। और क्योंकि नकली बीज उर्वरक न केवल आपके उत्पादन को प्रभावित करता है बल्कि किसान को आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उत्पादन नहीं होता, नकली चीज़ डालोगे तो उत्पादन कैसे होगा, और असली चीज़ डालोगे तभी तो उत्पादन होता है। तो बात करेंगे सबसे पहले हम यूरिया की। तो यूरिया और DAP और जिंक सल्फेट और पोटास, आज इन चार चीज़ों के बारे में हम आपको ये बताएंगे कि वो चीज़ असली है या फिर नकली है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यूरिया की। तो यूरिया के जो दाने होते हैं वो बिल्कुल सफ़ेद और गोलाकार होते हैं, और इसकी पहचान के लिए यूरिया के कुछ दानों को एक गिलास, जैसे ये गिलास है, इसमें जैसे हम यूरिया के दानों डालते हैं और इसको कुछ समय तक हिलाते हैं, कुछ समय तक हिलाने के बाद में ये यूरिया दाने बिल्कुल पिघल जाते हैं, और पिघलने के बाद में हम इसको जैसे पानी को टच करते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसे ठंडा एहसास हो रहा है। तो ये इसका मतलब ये यूरिया बिल्कुल असली है और ये बिल्कुल संपूर्ण रूप से घुल जाती है, और पानी को घुलने के बाद में ये बिल्कुल ऐसे टच करते ही हमें बिल्कुल एक ठंड का एहसास होगा। तो समझ लेना यूरिया असली है, नहीं तो यूरिया डुप्लीकेट है। और यूरिया के दाने होते हैं बिल्कुल एक समान गोलाकार आकृति में होते हैं। अब बात की जाए DAP की, तो DAP जो होती है वो उसके दाने का आकार बिल्कुल कंकर जैसा होता है, क्योंकि कंकर एक समान नहीं होते, कंकर अलग अलग डिफरेंट साइज में पाए जाते हैं। यानी DAP कभी भी आपको बिल्कुल गोलाकार आकार में सभी दाने नहीं मिलेंगे, ऐसे एक समान दाने नहीं मिलेंगे, सभी डिफरेंट डिफरेंट साइज में मिलेंगे, कोई छोटा कोई गोलाकार कोई किसी आकृति में किसी आकृति में। तो DAP के दाने कभी भी एक समान आकृति में नहीं होते, सबसे पहली पहचान तो ये। दूसरा तरीका DAP को पहचानने का ये है कि DAP को हम जैसे कई जैसे तंबाकू खाते हैं तो वो तंबाकू में जैसे चूना रगड़ते हैं, उसी प्रकार हमें DAP में चूना रगड़ के देखना चाहिए। तो चूना जैसे हम DAP में थोड़ा सा चूना रगड़ते हैं तो बिल्कुल एक तेज गंध का एहसास होता है। तो तेज गंध का अगर हमें एहसास होए और सूंघना मुश्किल हो जाता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि DAP ओरिजिनल है, वरना DAP डुप्लीकेट है। इसके अलावा हम DAP की पहचान एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। हम जैसे गैस पे तवा रखते हैं और तवे पे हम DAP के दाने रखते हैं तो DAP के दाने हल्के हल्के फूलने लग जाते हैं। अगर फूलते हैं तो DAP सही है, नहीं तो DAP में मिलावट है। अब बात की जाए पोटास की, तो पोटास असली पोटास सफ़ेद नमक व लाल मिर्च जैसा होता है, जैसे ये बिल्कुल एकदम लाल कलर का होता है। और पोटास को हम जैसे दाने नमी होने पर उसमें पानी मिलने पर दाने आपस में चिपकते नहीं, जैसे इसमें पोटास डाला। अब इसके जैसे हम दाने पकड़ते हैं ना तो ये दाने हैं ना बिल्कुल एक दूसरे से चिपकते नहीं है, ये दाने बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ये चिपकते नहीं हैं। और इसके अलावा थोड़ा पोटास जैसे वो थोड़ा इसमें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आता है, वो पोटास के ऊपर परत हल्की हल्की ऊपर आ जाती है, और पोटास जो मतलब ये तो दानेदार में है इसलिए नीचे चला गया, और जो पोटास थोड़ा पाउडर फॉर्म में आता है उसके ऊपर तैरने लग जाता है, और पोटास जो डुप्लीकेट होता है वो नीचे जम जाता है। तो ये है पोटास की असली पहचान। और इसके अलावा बात की जाए जिंक सल्फेट की, तो जिंक सल्फेट क्या होता है, बिल्कुल हल्का सफ़ेद और पीले भूरे रंग का होता है। जिंक सल्फेट हल्का पीला भूरे रंग का होता है और हल्का सफ़ेद होता है। इसकी पहचान के लिए DAP का जैसे हमने गोल लेते हैं ना, DAP गोल, तो DAP के गोल में अगर हम जिंक सल्फेट को मिलाते हैं तो उसका एक थक्केदार ऐसा घनाव से सा बन जाता है, तो समझिए जिंक सल्फेट असली है, नहीं तो जिंक सल्फेट डुप्लीकेट है। ऐसे हम न जाने कितने तरीकों से हम अपने फर्टिलाइज़र को पहचान सकते हैं, काफ़ी तरीके हैं। और इसके अलावा सल्फर के भी काफ़ी तरीके हैं, और यूरिया DAP है, पोटास है, जिंक सल्फेट है, ये हम ज़्यादातर फर्टिलाइज़र हम काम में लेते हैं, और इसकी पहचान करके हमें देखना चाहिए कि वास्तव में दुकानदार असली बेचते हैं या नकली बेचते हैं। समय समय पर इसकी पहचान करनी चाहिए, क्योंकि किसान को अच्छा उत्पादन लेना होता है। अगर सही फर्टिलाइज़र मिलता है, सही उर्वरक मिलता है और सही बीज मिलता है, ओरिजिनल चीज़ मिलती है, तो उसका वास्तव में उत्पादन होता है। और ओरिजिनल नहीं मिलती तो हमें आर्थिक रूप से नुकसान होना पड़ता है और हमारा जो खेती है वो घाटे का सौदा साबित हो जाती है। इसलिए हमेशा हमें हर चीज़ चेक करनी चाहिए, हर चीज़ फ्रेश लेनी चाहिए। तो जुड़े रहिए किसान भाइयों हमारे साथ, हमारा इंडियन फार्मिंग चैनल यूट्यूब चैनल पर,
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इसके जो पास में लाल रंग का अक्षर है सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जुड़ रही है हमारे साथ, धन्यवाद।